कोरोना वायरस के मद्देनजर होटल्स एमएलए हॉस्टल को क्वारंटाइन कक्ष में तब्दील किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे के आदेशों पर सेंट्रल इंडिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी लोनारा को भी क्वारंटाइन कक्ष में तब्दील किया गया है, जहां एनएमसी के सहयोग से यहां रह रहे 130 कोरोना संक्रमित मरीजों की देखभाल की जा रही है। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में दहशत फैला रखी है। इससे देश, राज्य और लगभग सभी शहर प्रभावित हो रहे हैं। नागपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 56 पहुंच चुकी है और 1500 से ज्यादा लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। क्वारंटाइन के लिए जगह कम पड़ने से होटल्स, हॉस्टल्स और अन्य सार्वजनिक स्थलों को क्वारंटाइन कक्ष में तब्दील किया जा रहा है। इसी संदर्भ में हमारे संवाददाता रत्नाकर मुलिक और कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े द्वारा क्वारंटाइन कक्ष में बदले सेंट्रल इंडिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी लोनारा परिसर का निरीक्षण किया गया। साथ ही एनएमसी कर्मचारी से बातचीत कर मरीजों को दी जा रही ट्रीटमेंट और उससे संबंधित साफ सफाई और अन्य व्यवस्था के बारे में जाना। सैनिटाइजर का जो प्रयोग है, जो इन लोगों को दिया जा रहा है सैनिटाइज करने के लिए, हमारे तरफ से रात को हमने फायर की गाड़ी बुला करके पूरा सैनिटाइज किया इस परिसर में। और सर, साबुन वितरित से लेकर के अपन फिनाइल से लेके तो इनको सभी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है नागपुर महानगरपालिका की तरफ से। और से सर, मच्छर की दवा भी मारना चालू है, आसपास में फौरने भी चालू है, फॉगिंग भी चालू है, सभी चीज़ से अपन नागपुर महानगरपालिका की ओर से जो भी सुविधा है वो उनको दी जा रही है। जितना अहम काम साफ सफाई कर्मचारी और स्वास्थ्य कर्मचारी कर रहे हैं, उसी तर्ज पर पुलिस कर्मी भी अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। महानगर पालिका प्रशासन के साथ ही पुलिस प्रशासन भी यहां पर चाक चौबंद व्यवस्था के साथ में खड़ा हुआ है, डटा हुआ है और यहां पर लोगों की सेवा करते हुए नजर आ रहा है। आइए हम बात करते हैं पुलिस प्रशासन के साथ में। हमारे साथ में किशोर पर्वते साहब है जो यहां का मोर्चा संभाले हुए। पर्वते साहब, कैसी व्यवस्था आपने यहां पर बनाए रखी हुई है? यहाँ पर जो क्वारंटाइन किए हुए 130 लोग हैं, उनके लिए जो सुरक्षा व्यवस्था है, उनको रूम के बाहर आने की परमिशन है। वो वहाँ पे जो क्वारंटाइन रूम है, क्वारंटाइन हॉल है, उनके बाहर आने की परमिशन है उनको। उसके बाद उनको खाना, उनका रहना, दवाई, सैनिटाइजर्स, पानी की सबकी व्यवस्था यहाँ प्रशासन कर रहा है और उनके सुरक्षा के लिए हमारे जवान यहाँ से मुस्तैदी से खड़े हैं। आपके सुरक्षा जवानों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? हम लोग कोरोना से बचने के लिए मास्क यूज कर रहे हैं, सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं और वो हम सब प्रशासन हमको सोशल डिस्टेंसिंग का भी आपको ख्याल रखना, सोशल डिस्टेंसिंग रख के उसका हम ध्यान रखते हुए मास्क और सैनिटाइजर का यूज कर रहे हैं, हम अपने आप को बचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस प्रशासन के साथ ही कलेक्टर ऑफिस के ओर से बहुत सारे स्वयंसेवकों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। समुपदेशन यहाँ के लोगों का किया जा रहा है, जिनको संशयित हम कह सकते हैं, जिनको ये शंका है कि इन्हें कुछ ना कुछ आसार नजर आ रहे हैं। तो हम आइए कुछ स्वयंसेवकों से भी बात करते हैं कि किस तरह से इन्होंने यहाँ की व्यवस्था संभाल रखी है। हमारे साथ में सोनी साहब हैं। सोनी साहब, बताइए क्या आपने यहाँ पे व्यवस्था करके रखी है? देखिए, यहाँ पे हमें कलेक्टर रविंद्र ठाकरे जी और अर्चना कोले मैडम, महिला बाल विकास समिति की, उन्होंने यहाँ पे हमारे को अपॉइंट किया है। यहाँ पे हमने आके देखा, कुछ व्यवस्था में कुछ कमी थी जिसे हमने, अनीश अहमद जी साहब ने, पुलिस प्रशासन ने मिलकर उस सभी कमी को दूर करने का प्रयास किया है और हमें ऐसा लगता है कि उस कमी से, जो भी कमी थी, उससे आज पूरा करके हमने उन लोगों की सब चीज़ों को दूर किया है और सभी लोग आज संतुष्ट दिख रहे हैं। एक चीज़ और हम लोगों ने यहाँ पे हम जानकारी देना चाहेंगे कि हमारे साथ में योगिता मैडम है जो कि समुपदेशन का कार्य पेशेंट्स के लिए कर रही हैं। किस तरह का बर्ताव का सामना आपको करना पड़ रहा है पेशेंट के साथ में? सबसे पहले तो नमस्कार सर, और हम लोगों को जो कलेक्टर सर के तरफ से जो हमको ऑर्डर आए हैं उनको हम फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी थे जो पैनिक हुए थे, जो 14 दिनों से थे करके, तो वो उन लोगों को हम लोगों ने काउंसलिंग की और उनको, उनका जो पैनिक था, उनको उस तरह से समझाया कि आप लोगों को क्या है, क्वारंटाइन यानी क्यों किया गया है और किस लिए किया गया है, वो सारी चीज़ों को उनको जानकारी दी, क्योंकि किसी लोगों को जानकारी नहीं थी प्रॉपर तरीके से, उनको वो सारी चीज़ें बताई गई, उनका काउंसलिंग करके और उनका जो मनोबल है वो बढ़ाया गया है हमारी तरफ से, और उनको जो चीज़ें प्रोवाइड करनी थी, जो उनकी नीड ये डेली नीड की जो चीज़ें हैं वो हम लोगों ने प्रोवाइड करवाई। और उसमें अनिस अहमद सर का जो मैनेजमेंट है उनका हमको बहुत सपोर्ट मिला है और हमारी जो टीम है कोले मैडम की, सोनाली मैडम की, उनके साथ में मिलके हम लोग ये सारा काम पूरा कर रहे हैं अभी।
सोनाली मैडम से भी बात करते हैं। सोनाली मैडम, आप भी यहाँ के जितने भी पेशेंट्स हैं उनका खाने पीने का इंतज़ाम भी आप देख रही हैं, हम देख रहे थे ऑफ कैमरा, कैसे व्यवस्था कराई है आपने? पहले दिन में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था, पर अभी दो तीन दिन से हम चार छः तारीख से हमारी मेरी और मेरी पूरी टीम आ रही है। वो टीम यानी पूरे लोगों का इतना अच्छे से ख्याल रख रही है कि खाना पीना कैसे हो रहा है। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो चलता है, कम ज़्यादा हो रहा है, पर अभी वो लोग काफ़ी मैंने अच्छे से अपना वो लोग भी बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं। और मैं भी महिला बाल विकास से हूँ, ये मेरी जो टीम है योगिता मिश्रा मैम, सोनी सर, पावड़े सर है, तन्वीर सर है, ये लोग भी बहुत अच्छे से कोऑपरेट करके वो लोग कोरोना आश्रित जो भी लोग हैं उनको इतने अच्छे से समझा रहे, और इन्होंने इतनी अच्छी काउंसिलिंग की है उनकी कि वो लोग अपने को बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं। सेंट्रल इंडिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी के परिसर में कार्यरत चौरसिया सर से बातचीत के दौरान उन्होंने बॉडी टेम्परेचर डिटेक्शन मशीन के बारे में बताया। यह मशीन 1 से 12 मीटर के रेंज तक स्कैन कर सकती है, जिससे डिस्टेंस मेंटेन कर जांच में आसानी होती है। इस मशीन में सेंसर्स लगे हुए हैं जो टेम्परेचर हाई होने पर शरीर एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट करती है। नागपुर एयरपोर्ट और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में भी कोरोना वायरस के सिम्टम्स डिटेक्शन के लिए इस मशीन का उपयोग किया जा रहा है। पूरे ऑथेंटिकेशन के साथ इस मशीन से जांच की जाती है। और ये मशीन को हम लोग इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज है, इसके अंदर में हम बंदा जो जिसका हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं उसका फोटो भी ले सकते हैं, उसका थर्मल फोटो भी ले सकते हैं, उसके अंदर में क्लियर इंडिकेशन रहेगा कि ये बंदे का टेम्परेचर क्या है। कोई आदमी ये नहीं बोल सकता कि ये मेरा नहीं है, उसका खुद का फोटो भी उसके अंदर आता है, थर्मल फोटो भी आता है, टेम्परेचर के मेजरमेंट के साथ में फोटो भी आता है। क्योंकि बाकी इंडिकेशन जो आते हैं उसमें हम मैनुअली लेते हैं, मैनुअली उसका इंडिकेशन आता है, मैनुअली उसको रिकॉर्ड करते हैं, इसमें मैनुअली रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली पूरा चीज़ को रिकॉर्ड कर लेगा। 1 मीटर से लेकर 12 मीटर तक का हम लोग इसको डिडक्शन कर सकते हैं। 12 मीटर में अगर समझ लीजिए 5-10 लोग खड़े हैं तो हम लोग पता 5 लोगों को पता कर सकते हैं उनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है। जब भी आपातकालीन परिस्थिति आती है, सेंट्रल इंडिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी के चेयरमैन अनीज अहमद हमेशा अपना योगदान देते हैं। उन्होंने भी जानकारी देते हुए मरीजों को दी जा रही ट्रीटमेंट के बारे में बताया। मैंने जब हिंदुस्तान में बर्ड फ्लू हुआ था 2006 में, जब भी महाराष्ट्र सरकार में मैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का मिनिस्टर था और डिजास्टर मैनेजमेंट में मैंने बर्ड फ्लू जब हुआ था, जब भी मैंने नंदुरबार में नवापुर करके ज़िला है, जब हमने 1,00,000 बर्ड्स को क्वारंटाइन किया था, पूरे नंदुरबार ज़िले में क्वारंटाइन किया था। और इस बार भी मुझे महाराष्ट्र सरकार के और महाराष्ट्र सरकार ने जो एक टीम बनाया है, उस टीम का डिज़ास्टर मैनेजमेंट का टीम बनाया है, उस टीम का मुझे मेंबर बनाया गया है। और हमें महाराष्ट्र में हमारे MLA हॉस्टल में, दूसरा वनामती में और बाकी जगह जगह, और हमारा कॉलेज जो सेंट्रल इंडिया फार्मेसी और नर्सिंग कॉलेज है, क्योंकि ये काफ़ी अलग सलग ये कॉलेज है, यहाँ से कोई भाग नहीं सकते, यहाँ कोई आके डिस्टर्ब नहीं कर सकता, शहर से थोड़ा दूर है तो यहाँ के लोग डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए करके ये सेंटर बनाया गया है। हमने एक सिस्टम बनाया है, यहाँ पर हर जितने भी यहाँ पर COVID-19 के जो ट्रैवलर्स हैं इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री रही है, ऐसे लोगों को यहाँ रखा गया है। और हमने बहुत सिस्टमेटिक किया है, हमने एक एक बेड छोड़ के एक एक आदमी को एक बेड दिया है। हमारे यहाँ बंकर से नीचे भी सो सकते, ऊपर भी सो सकते, लेकिन हमने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया, हमने एक एक पलंग छोड़ के ऊपर भी नहीं रखा है, और दो दो लोगों को एक बाथरूम दिया है। और बाथरूम के सामने उन आदमी का, उस जो हमारे यहाँ जो सस्पेक्टेड पर्सन है उसका नाम हमने बाथरूम के ऊपर लिखा हुआ है। इस तरीके से हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है। और यहाँ हम लोग सुबह दूध, टोस्ट, चाय, 1-8 महीने का बच्चा है उसको सेरेलैक दे रहे हैं, बिस्किट दे रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को। कुछ यहाँ पर शतरंजीपुरा और तकिए से कुछ लोग आए, उसमें 5 से 6 लोगों को पॉजिटिव आया ये सेंटर पे, उनको हमने मेडिकल शिफ्ट किया है। उसके बाद में हमने सारे बाथरूम्स में सल्फर से हमने सारे बाथरूम साफ़ करवाए हैं, सैनिटाइजेशन किया है और सबको क्वारंटाइन कर दिया है, अलग अलग रूम में सबको अलॉट कर दिया है। और मेरा विश्वास है कि यहाँ पे लोग आए हैं, अगर इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग अगर बराबर मेंटेन किया तो यहाँ पर ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी और नागपुर में हम जीतेंगे। हमारी लड़ाई है कि COVID-19 में हम किस तरीके से लड़ सकते हैं, हम सरकार को पूरा मदद कर रहे हैं,
मुझे बाला साहब थोड़ा ने टास्क फोर्स का भी मेंबर बनाया है और टास्क फोर्स के अंदर में हम लोग ये काम कर रहे हैं। देश में बढ़ते कोरोना पॉजिटिव के चलते लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। यदि हम इसे और नहीं बढ़ाना चाहते तो कोरोना से बचने का केवल यही एक उपाय है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग करें और प्रशासन द्वारा दिए जा रहे निर्देशों को माने। इनबीसीएन से कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ रत्नाकर मलिक और दीपिका धनेश्वर की रिपोर्ट।